हाय गाइस, वेलकम बैक टू दानियानम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पर लाइक किया, कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आपकी क्वेरीज थी आपने वो पूछी। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि जब भी मैं रेडी होंगी ना, मैं जब भी अपना मेकअप करूंगी तो मैं उसकी वीडियो शूट करूंगी और आपके सामने लेकर आऊंगी। और हर वीडियो में मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करूंगी। उसमें हाई एंड ब्रांड्स भी रहेंगे, अफोर्डेबल भी रहेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी स्टेप मिस मत करना क्योंकि हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। मैं रो नहीं रही हूँ, मैंने लेंस लगाए हैं तो इस वजह से पानी आ रहा है। मैंने स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया था। अगर आपको देखना है ना कि मैं मेकअप से पहले स्किन केयर कैसे करती हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है मेकअप की, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज ना मैं मॉइस्चराइजर ना यूज करके मैं डायरेक्ट स्ट्रोब क्रीम यूज कर रही हूँ। ये है फ्रॉम मैक इन द शेड पिंक लाइट। इसमें ना काफी वेरिएंट्स आते हैं, पिंक लाइट, पीच लाइट, गोल्ड लाइट। तो मैं पिंक लाइट ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं आज, क्योंकि मुझे अपनी स्किन का पता है ना, तो इस वजह से मैं आज ना मॉइस्चराइजर ना लगा के मैं डायरेक्ट स्ट्रोब क्रीम लगाऊंगी। कुछ लोग मॉइस्चराइजर के बाद भी स्ट्रोब क्रीम लगाते हैं, बट मैं ना डायरेक्ट लगाऊंगी। इसमें ना पिंक कलर की एक शीन होती है। दानिया गाने मत चलाओ यार, मेरी उस पे ना कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। या एयरफोन्स लगा लो। ये ना मॉइस्चराइजर का ही काम कर लिया है, और ये ना विंटर्स में ही यूज होती है। तो अगर कुछ लोग कंफ्यूज है ना स्ट्रोब क्रीम को लेकर, तो ये मेरे हिसाब से तो विंटर्स में ही यूज होती है, क्योंकि इसमें ना एक शाइन होती है। और ये वाली शाइन ना हमें गर्मियों में पसंद नहीं आती, क्योंकि ये वाली शाइन ऑटोमेटिकली गर्मियों में खुद फेस पर रहती है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है आपकी, और समर्स में भी आपकी स्किन कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, उस केस में आप स्ट्रोब क्रीम यूज कर सकते हैं। वरना जो ऑयली स्किन के लोग हैं वो तो स्ट्रोब क्रीम से दूर ही रहे, ऑलरेडी उनके स्किन पे इतना ऑयल रहता है, तो स्ट्रोब क्रीम बिल्कुल भी नहीं सही रहती उन लोगों के लिए। और इस बीच मेरा पार्सल भी आ गया है, तो चलो मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करती हूँ। ये मैंने मंगाया था फोन कवर, अभी 6 मंथ पहले ही मैंने अपना फोन कवर मंगाया था, बट अब मैं उससे बोर हो गई हूँ, तो अब मैंने ये कस्टमाइज फोन कवर मंगाया है। तो लेट्स अनबॉक्स। ये काफी एस्थेटिक फोन कवर है, और इसमें ना मेरा नेम का इनिशियल भी है, अनम। प्यारा लग रहा है ना दानिया? देखो मैंने न्यू फोन कवर मंगाया है हाँ, इट्स लुकिंग प्रिटी। विद अनम, या और थोड़ा एस्थेटिक है, लेवेंडर कलर माय फेवरेट। और मेरे फोन का कवर भी थोड़ा लेवेंडर ही है ना, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। तो तुमने अपनी बॉटल भी बिल्कुल लेवेंडर मंगवा ली, हाँ और ये यार, वाला भी है। ये कोइंसिडेंस है, मैंने कुछ हाँ, सोच के नहीं मंगाया था बॉटल भी। और इनफैक्ट मुझे क्योंकि लगा कुछ बॉटल शेयर पिंक आ प्राइसेस भी जाएगी। कम। बीच में हम पानी भी पीते रहेंगे, क्योंकि हाइड्रेटिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपनी बॉटल इसीलिए मंगाई है ताकि मैं मुझे याद रहे ताकि मुझे पानी पीना याद रहे, और मुझे पूरे दिन में इसको फिनिश करनी है। तो स्ट्रोब क्रीम लगा के हमने 2-3 मिनट्स का गैप ले लिया। अब हम करेंगे कलर करेक्शन। तो जहां जहां मुझे लग रहा है ना कि मेरे फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल्स हैं, कंसीलर ही यूज करूंगी आज मैं डार्कर, क्योंकि आप नोट करा मेरे ना ज्यादा ब्लैकिश नहीं है कि मेरी ज्यादा डार्क सर्कल्स काले हो रहे हैं या यहाँ से ब्लैक हो रहा है। मेरे ना बहुत माइनर सा डिफेक्ट ही है फेस पे, ज्यादा नहीं है। तो मैं अपने स्किन का ही कंसीलर यूज करूंगी फ्रॉम फॉरएवर 52।
जहां जहां डिसकलरेशन मुझे लग रही है वहां वहां मैं अपनी स्किन का ही आप जितने कम प्रोडक्ट लगाओगे ना स्किन पे उतना अच्छा आपका मेकअप आएगा। ये नहीं कि आप ये सोचो कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो स्किन फट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं और लुक अच्छा नहीं आता। तो सिर्फ जहां आपको जरूरत है आप वहां ही काम करें, बिना जरूरत के काम नहीं करना, क्योंकि मेकअप है कि हमें अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना है, ना कि चेंज होना है। थोड़ा सा पानी आ गया, पहले हम इस पानी को ये ना मेरा बेसिकली जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं सिर्फ ये वाला कंसीलर लगाकर जहां जहां मुझे लगता है कि थोड़ा ब्लैकिश हो रहा है एरिया, जहां जहां थोड़ी पिगमेंटेशन हो रही है, स्किन से थोड़ा कलर अलग जा रहा है, तो वहां वहां मैं ये हल्का सा लगा लेती हूँ। अगर आप अब देखो, मैंने ना अपना फेस इस तरह से जहां जहां मुझे जरूरत थी ना मैंने वहां वहां करेक्शन कर ली है। अब मैं जब मैं जिम जाती हूँ ना मैं ऐसे भी अपना फेस छोड़ देती हूँ तो ऐसे भी ठीक लगता है, हल्का सा टिंट लगाकर, मस्कारा लगाकर और ये चीक्स पे लगा के बिल्कुल नेचुरल लगता है, कि लगता ही नहीं कि हमने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। ज्यादा फाउंडेशन या लेयरिंग नहीं पसंद है ना तो ऐसे भी छोड़ ही सकते हैं आप अपना फेस, या इसी कंसीलर को पूरे पे ब्लेंड कर लोगे तो सही रहता है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ रिकोड का फाउंडेशन, रिकोड एस ऑफ बेस फाउंडेशन। ये मैंने लिया है इसका वन पंप को मैं एक्टिवेट करूंगी थोड़ा सा फिंगर से, क्योंकि प्रोडक्ट्स होते हैं ना रखे रखे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक्टिवेट करना जरूरी होता है फिंगर से, वार्म अप करना उनको। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। समझ में मैंने यूज किया है हाफ एंड हाफ का कंसीलर, इट्स इन द शेड 04 आइवरी। ये इसका जो टोन है ना ये प्रॉपर येलो वाइटिश टोन है, तो इसको ना मैं सिर्फ ब्राइटन करने के लिए यूज करती हूँ। तो मुझे ना अंडर आईज ब्राइटन बहुत प्यारी लगती है, सबको सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि आंखों के नीचे एक फ्रेशनेस हो, ब्राइटनेस हो। इस जो हुडा कटन है, मोना कटन है, वो ज्यादातर आप देखेंगे उनकी अंडर आईज ब्राइटन रहती है, तो
उन लोगों की भी यही टेक्निक होती है कि वो अंडर आईज को थोड़े अपने टोन से दो तीन शेड लाइटर कंसीलर से दे ब्राइटन अप, तो मुझे मेरा फेस प्रॉपर ब्लेंडेड लग रहा है, कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फाउंडेशन चमक रहा है या फाउंडेशन दिख रहा है, तो अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। तो कंटूरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का टैंटोर, जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब कॉन्टोर से काम नहीं चलेगा, अब जिम जाना ही पड़ेगा। सर्दियों में एक तो बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और जिम का हिसाब ही नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब मैं सोच लिया, बस अब मैंने अब मैं जिम ज्वाइन करूंगी और करके दिखाऊंगी। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा फैट आया ना मेरे ऊपर, विंटर्स में ना बहुत मीठा खाया जाता है। क्या आपके घर में भी विंटर्स में बहुत ज्यादा खाया जाता है? कभी हलवा, कभी चटकन, मैक कॉस्मेटिक लिपस्टिक इन द शेड इम्पैशंट, इम्पैशंट। डॉट डॉट करके लगाऊंगी क्योंकि ज्यादा ना लग जाए। तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। Come into me. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, आप अपने लिप्स मत कराना प्लम्प, ऑलरेडी सही हैं आपके लिप्स। तो मैंने उनकी बात मान ली, तो मैं नहीं कराऊंगी। पिंक पाउडर मैंने आपको कहा था ना, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैं हर बारी जब भी मेकअप करूंगी ना, मैं न्यू प्रोडक्ट से मेकअप करूंगी। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं आज ये हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज कर लेती हूँ, और देखो मेरी हुडा ब्यूटी की पैलेट का हाल। और ये अभी हुआ है रिसेंटली, मैं मेकअप करने के लिए गई थी तो वो एक बच्ची थी वहां पे, क्लाइंट की ही डॉटर थी, तो वो बच्ची इतनी नॉटी थी, वो सुन ही नहीं रही थी। उसको इतनी बार मना किया कि डोंट टच डोंट टच, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। तो उसने क्या किया, हुडा ब्यूटी की पैलेट ऐसे ली, खोली और ऐसे कर दी। सच में बहुत डिसहार्टनिंग होता है कि पेरेंट्स मना नहीं करते अपने बच्चों को बिल्कुल भी। अब बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती यार। मैं मना ही तो कर सकती हूँ ना कि प्लीज आप इनको रोको। तो यार ये तो ना पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को रोके, अगर वो सामान में घुस रहा है ना तो पेरेंट्स को मना करना चाहिए। अब मेरी तो पैलेट टूट गई ना यार। तो मैं हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज कर रही हूँ, इसमें से मैंने ये लिया है, ये न्यूड कलर। इससे मैं बेस बनाऊंगी न्यूड कलर से। मैं ना ज्यादा न्यूड कलर्स की फैन हूँ, मतलब न्यूड कलर्स ही पसंद आते हैं आईज पर, लिप्स पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान की एक नाजुकता होती है ना, वो बरकरार रहती है अगर आप आईज पर न्यूड कलर्स करोगे। तो आउटर कॉर्नर पे ये थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर रही हूँ, सिर्फ अपनी आईज को डिफाइन करने के लिए।
हम दूसरी आई पर सेम तो अगर आप चाहें तो आप और डार्क कर सकते हैं इसको, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो न्यूड लुक ही रखना है, इतना ही रखना है, तो बस मैं इतना ही करूँगी, इतना इनफ है मेरे लिए। ठीक, सेम न्यूड कलर नीचे रखूँगी। हमारी आईज को एक डेफिनेशन मिल गई, डिफाइन हो गई है ये। तो ये नायका की पेंसिल, इसमें ये स्पूली भी है और पेंसिल भी है, तो इस पेंसिल से ही मैं डिफाइन कर लूंगी। क्योंकि मेरे जो ये आउटफिट है इसमें काफी पिंक और ब्लूइश और हल्का सा पीची है आईज पर। कभी भी ना स्पार्कल या शिमर्स ऊपर मत लेके जाना ज्यादा, जितनी आपकी आंखों में जगह है ना सिर्फ उस जगह में ही रखना है। नेवर एवर डू दैट कि आप अपनी लिड से ऊपर। इस सूट में ना हल्का सा ब्लूइश ब्लूइश फ्लावर है, मैंने ये लगा लिया, वो हम डस्ट ऑफ कर देंगे। लॉरियल पेरिस का ब्लश है और ये ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर चुकी हूँ, कैसा रस्टी कलर है इसका। कर रही हूँ फॉरएवर 52 का हाइलाइटर, और रिसेंटली इसके साथ भी हादसा हुआ और ये भी टूट गया था, जैसे थोड़ा सा स्पेस नहीं होता रखने के लिए प्रोडक्ट और वो गिर जाता है। जहां जहां हाइलाइटर लगता है वहां वहां हल्का हल्का हाइलाइटर लगा देंगे। अगर आपकी ब्यूटी बोन्स है तो आप बहुत खुश नसीब हो, ये बहुत मेहनत कर कर आती हैं, जिम में लगातार मेहनत करो और परफॉर्म। फॉरएवर 52 इंक लाइनर है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि यूज कर रही हूँ सफोरा सुपर फैन मस्कारा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लैशेस बहुत कम यूज करती हूँ, इनफैक्ट करती ही नहीं, तो आज भी मैं मस्कारा ही लुक करूंगी। मैं लैशेस सिर्फ अपनी शादी पर लगाऊंगी। उससे पहले नहीं लगाऊंगी। हमने कर लिया, मस्कारा लगा लिया है, लिपस्टिक लगाऊंगी। ये मैं TNW की लिपस्टिक ले रही हूँ, ये ले लूंगी। मुझे ना ये डब्ल्यू शेप नहीं अच्छी लगती, जो लिप्स पर ऐसे डब्ल्यू शेप बना लेते हैं, तो मुझे नहीं पसंद।
तो मैं आज लाइनर की जगह लिपस्टिक ही यूज कर रही हूँ। तो पहले मैंने ये लगा ली, ये मॉव लिपस्टिक। अब मैं इसके ऊपर करूंगी न्यूड पिंक। तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, तो बताओ कि आपको ये लुक कैसा लगा? सो गाइज, ये था मेरा आज का लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह की मैं वीडियोस लाती रहूंगी। जब भी मैं रेडी होंगी शूट के लिए या कहीं जाने के लिए, तो मैं आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल जरूर लेकर आऊंगी। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये लुक और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, भी कमेंट में भी मुझे जरूर बताना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे दोनों पेजेस को, मेकअप पेजेस है अनम खान मेकअप और मेरी कॉमेडी वीडियोज में दानिया अनम। ठीक है, तो इसी तरह मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज, बाय बाय।